है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक व्यक्ति सेठ जी हैं और सामाय करने के लिए बैठे हैं। नियम था जब तक दीपक जलता रहेगा सामाय करूंगा। तो इसको देख करके शेटाणी ने समझा सामाय कर रहे हैं, मन लग रहा है, घी उसमें कम पड़ रहा था, एक चम्मच डाल दिया। इस प्रकार दो तीन बार हो गया तो घंटों इनका सामाय आगे बढ़ गया। और आपको तो ज्ञात है जो सामायिक करने के समय पर यदि मरण हो जाए तो पक्का है, हाँ स्वर्ग तो है, क्योंकि शेठ जी है इसलिए तो स्वर्ग ही मिलेगा। हुलवा उल्टा सुन रहे हो? हाँ, जैन धर्म भावों की उपासना करना सिखाता है, द्रव्य की नहीं। अब जो द्रव्य इकट्ठा करके रखे हैं उनके मरण के बारे में हमें कुछ भी कहना नहीं है, किंतु जो व्यक्ति उस द्रव्य के प्रति और यह जो शरीर इसके प्रति निरीह होता है, इसके स्वरूप को समझता है, उनके प्रति त्याग भाव रखता है, साक्षी बना रहता है, उसका खेल जीत के रूप में यहाँ पर परिणाम ले आएगा। अब वो हुआ एक मेंढक। सेठ जी सामाय के समय पर अवसान को प्राप्त होते हैं, मेंढक हो गए। जिसके पास हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, कूद कूद करके वह अपना जीवन यापन करता है और पानी में रहता तो तैर लेता है, उसका जीवन इतना ही सीमित रह गया। इसलिए लोग कहते हैं मेंढक भले ही हो लेकिन कूप मंडूक नहीं बनो। मंडूक मैंने मेंढक होता है, कूप मेंढक का अर्थ एक प्रकार से स्वार्थ और संकीर्ण बुद्धि वाले का नाम। कूप मंडूक का अर्थ क्या होता? संकीर्ण बुद्धि वाला, विशाल विचार वाला, हृदय वाला नहीं होता। अब वह मंडूक, संस्कार तो उसके सेठ जी के थे और चूंकि आर्द्यान हो गया तो तिरिंच हो गया। अब वह सुनने में उसको आ गया कोई मुनि महाराज या समूह शरण आया है महावीर प्रभु का, हमारा भी सौभाग्य जागृत हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसने सुन लिया जो पानी भरने के लिए आते थे उन लोगों के मुख से, जो अभी जलना है, अभी चलना है, अभी चलना है, जल्दी करो, वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, चलो। तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपस में वो चर्चा करते हैं। उस मेंढक ने सुन लिया कि ये हो रहा है तो बस उसने भी उसी कुएं में फूल की पांखली थी उसमें से एक पांखली ले ली और मुंह में दबा लिया। हाथ में लग नहीं सकते,
कूदना भी है, तो वह चल दिया। वह बसता हुआ बसता हुआ रास्ता तो पहले से ज्ञात हो गई उनको, तो बस पहुंचने वाला है। और सब लोग अपने अपने पूजन सामग्री लेकर के जा रहे हैं, कोई लोग पैदल जा रहे हैं, कोई लोग और कोई वाहन से जा रहे हैं, कोई बग्गी से जा रहा है, कोई रथ में बैठा है, कोई सैनिक जैसे हाथी पर बैठ कर ही जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं उसी केंद्र की ओर जहाँ पर श्री जी का समूह शरण लगा था, और बीच में ही उसके ऊपर सैनिक राजा का पैर मतलब हाथी का पैर पड़ गया। फिर क्या होना, दब करके मर गए बेचारा। किसी को मालूम तक नहीं है, सब एक भक्त का अवसान होता है, नहीं समझे, लेकिन भावों का भक्त था वो। और सोले स्वर्ग पहुंच गया, और पहुंचते ही जाते स्वर्ण हो गया। पहले समोसन जा रहा था, तो अब भैया बैठे क्यों, सब देवों को कह दिया परिवार को, चलो सब लोग अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के, कोई कमी ना पड़े। हाँ, दिव्य ही गंदे ही, दिव्य ही पप्पे ही, दिव्य ही दिव्य ही, दिव्य ही चुन्ने ही, दिव्य ही वासे ही, दिव्य ही नाने ही, आषाढ़ कत्ति फाल्गुन मास। इस प्रकार वहाँ से जो लोग उतर करके आ रहे हैं वो भी आ गया, और उसके ध्वजदंड विमान में मेंढक का चिन्ह, सब लोग जाकर वो आकर्षित होकर देखते, ये कितना चमक रहा है, ये क्या है ये, तो देखा मेंढक। तो सैनिक राजा ने पूछा, भगवान ये कौन सा देव है जो सब लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया, और वह उतर करके आगे बैठ गया। सैनिक राजा ने सर्वप्रथम यही प्रश्न किया, बताते हैं, सुन रहे हो श्रावक लोगो, हाँ महाराज कई बार तो सुन भी लिया सुना भी लिया, अब पूछने से ज्ञात हो गया कि तुम्हारे ही हाथी के पैरों पे दब गया और एक मेंढक था। मेंढक का चिन्ह क्या है, इसलिए मैं पहले मेंढक था, शेर जी से तो मेंढक बना और मेंढक से देव हुआ। समता भाव के साथ रखने से वह मरने के उपरांत कुचलने के उपरांत भी देव हुआ, और भगवान के पूजन की रत्नकण श्रावकाचार में भेक प्रमोद मत कुसमी ने केन राजग्रह, राजग्रह में समोसरण की रचना हुई और उसमें वह आ गया। सुनकर के सब लोग गदगद हो गए, इसलिए द्रव्य की ओर ज़्यादा दृष्टि न रखो, जिसको चढ़ाए जा रहा है उसको मत देखो, जिसके चरणों में जड़ाए जा रहा है उसको देखो। भाव सुधारना है तो इसलिए हमारे एक एक क्षण मनुष्य जीवन के इन्हीं भक्ति भाव के साथ आत्मसम्मान के चिंतन के साथ निकले, तभी वह फल लाई है। बाकी शरीर मिला जाना तो इसको है ही, इसलिए और ध्यान रखना, इस शरीर को एकमात्र यंत्रवत समझ करके इसमें समय पर आयलिंग करो। नहीं समझे बस, तो आयलिंग का अर्थ ये, हाँ आवश्यक चारा दे दिया, भाड़ा दे दिया, राशन दे दिया, और उससे सही सही पर समय पर काम ले लिया। ये लोगे तो प्रत्येक समय समाधि मरण होता रहता है, इसको याद रखने योग्य है। ये केवल अंत समय में ही मरण होता है ऐसा नहीं, वह अंतिम क्षण माना जाता, किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में एक एक क्षण में समाधिमय यानी रत्नत्र की पूजा करता है, रत्नत्र की उपासना करता है, अथवा अपने पास कुछ भी नहीं है तो सम्यक दर्शन आस्था का केंद्र बना देता अपने आप को, वह
एक प्रकार से उसी ओर जा रहा है जिसको ओर सदगति होती है। इसलिए प्रत्येक क्षण आपके गुजरे किंतु गुजर रहे हैं, किंतु वह धर्म ध्यान के साथ गुजरे। जो समाधि मरण जिसका अभी यदि मान लो रत्नत्रय की भावना नहीं है तो अंत समय में कहाँ से आएगी रत्नत्रय की भावना? हाँ, अंत समय में नहीं आती, एकदम थोड़ी आ जाता है। एक आध व्यक्ति के लिए हो जाए, लेकिन जो पूर्व से ही करता, अंत मतासो करता कहते हैं, तो अंत में मति उसी की सुधरती है जिसकी मति पहले भी सुधरी हुई है। इसलिए सुधारते जाओ, दूसरे को सुधारना नहीं, अपने आप को भगवान के वचनों को सुधारो और अपने आप को सुधारो। भगवान के वचन, गुरुओं के वचनों को सुधार करके नहीं, उसके सुधार मतलब उनको गलती नहीं निकालना, सुधार से अच्छे अपने पवित्र हृदय से धारण करो और अपने जीवन को सुधारो। हाँ, अच्छी गति को प्राप्त हो। और जैसे उस मेंढक का उद्धार हो गया, उसी प्रकार अपने यदि करना चाहते हो तो स्वर्ग को भूलो नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए फल की इच्छा नहीं करना, इतना ही समोचरण का लाभ हो जाए। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगा है, उसको देख करके भी कई लोग सुधर जाते हैं। जो आज कह रहे थे ये कि यहाँ पर एक श्रावक जो कि जयपुर निवासी थे, प्रवासी तो कहाँ से पता नहीं है, अनंत काल से आ रहे थे, तो वह उन्होंने क्योंकि रुग्ण शरीर था, एक बार आए थे, तो रुग्ण शरीर का कोई भरोसा नहीं रखते क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है, इसको अपने अनुरूप करते जाओ। महाराज जी, हमारे अनुरूप होता ही नहीं, हम क्या करें? पर करने का प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि शरीर जब तक अनुकूल नहीं होता तब तक जो है आपको अरम सिद्ध कहना भी बहुत कठिन होता है। आर ध्यान नहीं करते हुए इसके लिए भाड़ा देना होता है। हाँ, शरीर में इसलिए कहा है, जो निरोग शरीर वाला होता है उसकी संलेखनादी विधिवत महीनों तक होती है, और यदि नहीं हो पाता तो एकदम त्याग करा नहीं सकते। त्याग करने की भावना होते हुए भी त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक श्वास में जो प्रतिकूलता रहती है उस समय धर्म ध्यान ने करके वह बहुत प्रकार के आठ ध्यान हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कुंती नहीं, स्वामी समंतभद्र महाराज ने विशेष तौर पर रत्नकण श्रावकाचार्य में एक संलेखना का प्रयोग दिया है। उनको स्वयं को भी इस प्रकार की भयानक व्याधि हुई थी, उसके फलस्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया उसको रखा है, और ये वैसे ही संलेखना का प्रकरण, ये उसको यूं कहना चाहिए 365 दिन तो कक्षा में विद्यार्थी लोग अध्ययन करते हैं, प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये सारा का सारा परिणाम जो निकलेगा वो परीक्षा के माध्यम से निकलेगा। एक आध हफ्ता या 4-5 दिन परीक्षा में लगते हैं, उस परीक्षा में जो परिणाम निकलता है पूरे वर्ष का लेखा जो का गतिविधि उसमें आ जाता। उसी प्रकार यह है, जीवन पर्यंत भी आप लोग व्रतों का पालन करते हैं, वह निश्चित रूप से आप प्रश्नावली को उत्तर के रूप में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी साधना जीवन पर्यंत होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी हमारी उम्र नहीं है। उम्र किसी के हाथ में नहीं रहते, आप ही उसके हाथ में हो जाते हैं। इसलिए उसको देख करके, शरीर की स्थिति को देख करके, निरोगी काया भी एक बहुत महत्वपूर्ण, पहली हो निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, माया ठगनी हो तो क्या करोगे?
हाँ, इसलिए काया के अनुरूप माया को भी पा करके और गृहस्थ आश्रम को आप लोग अच्छे बनाएंगे और संतान को भी इसी प्रकार संस्कार देंगे तो अवश्य वो भी इसी रास्ते पर चल सके। ये सबसे बड़ा गृहस्थों का उपकार का क्षेत्र है, अपने संतान को, अड़ोस पड़ोस को, समाज को, देश को तक यही संस्कार मिलने चाहिए। आज इसकी बहुत गरीबी आ रही है। हाँ, नहीं समझे, हमारे सामने कोई एकाध गरीबी आता है, बाकी सब हाँ, तो इसलिए अपने आप को टटो लो और ज़्यादा भरोसा नहीं रखो कि हम इतना और साल जीना है। अवकाश प्राप्त कर लो अपने काम धंधे से और बच्चों को संस्कारित करो और उनको बीच बीच में संकेत देते रहो, ऐसा करना ऐसा करना, और स्वयं सही दिशा की ओर चलो, सबका बहुत भला हो। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।